सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिस किसी हाउसवाइफ महिला को या भैया को हमारी तरह मतलब जो घर पे बैठी हैं काम करना है तो वो हमसे संपर्क कर लें। हमने ब्लॉग वीडियो बनाया था, कुछ ऐप ऐसे हैं जो घर बैठ के अर्निंग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम भी काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मैंने इसीलिए वीडियो डाला था, अगर किसी को काम करना हो तो हमसे संपर्क कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो कुछ एक दो लोगों का कमेंट्स आया, जब ज़्यादा लोगों का आएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तब हम बताएंगे। वहाँ दो लोगों को मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसे ऐसे काम कर लो, ऐसी ऐसी ऐप है। लेकिन जब ज़्यादा आएंगे कमेंट्स, आप लोग ज़्यादा प्यार जताओगे, तभी मैं ब्लॉग वीडियो वो वाली वीडियो बनाऊंगी मैं उसके उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आज मैं मेरे कुन्नों के ऊपर ब्लॉग है, आप पूरा देखिए। और हमारी बेटी ना घर पे नहीं रहती है, बाहर पढ़ने लगी है, तो उसके बिना कुन्नों ऐसे रहता है। आप लोग वीडियो में देखना वो कैसे रहता है, कितना गुस्सा होना सीख गया है, और पूरा आप लोग ब्लॉग देखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। चुप जा जा रही, और ये जी चुप जा जा रही बच्चा, ये चुप जा जा रही आ रही आज, और ये दादी मुझे लुआ गया जी, बेटी है जी, ये जी ये जी ये जी बेटी जी चुकी आज मैं आ ले ले ये जी शांत बेटी लला ये चुप जा जा रही है जी चुकी आ ले भैया। और ये फ्रेंड्स एकदम सुबह की क्लिप है, मैं टहल के आ गई थी 6 बजे, तो 6:45 बजे की क्लिप है। तो मैंने इसको देखा एकदम उदास बैठा हुआ है, ऐसे तखत है ना ये, तो यहाँ पे हम लेटते थे, हमारी बेटी लेटती थी, वो गई है, उसके अगले दिन की ही क्लिप है सुबह की। मैं टहलने गई तो वहाँ से आई, मैंने देखा इसको ये उदास बैठा था, इसको प्यारी प्यारी की, और यहाँ लेटती थी मेरे साथ, यहाँ ढूंढ के आया, यहीं बैठा हुआ मुझे मिला, यही ढूंढ रहा था उसको कि शायद लेटी हो वो यहाँ पे, लेकिन मैं उसको प्यारी कर रहा, जिच्चू की याद आ रही है जिच्चू। और वैसे आँख बंद करके बैठा था, मैंने कैमरा ऑन किया तो ये देखने भी लगा, बिल्कुल ऐसे बैठा था उदास एकदम से। और शाम को मैं छत पे गई तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, कभी धूप पड़ती है बहुत तेज़, कभी मौसम बादल हो जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है। तो मैं छत पे गई थी, रामा स्कूल है इधर भी, इनकी क्लासेस बन गई हैं, अब हाई स्कूल तक हो गया है तो क्लासेस 9 से चलने लगी हैं, और ये भी बिल्डिंग है रामा स्कूल वालों की, तो घर के पास में ही एकदम तीसरी बिल्डिंग है इनकी, हमारे घर से तीसरा घर मान, तो सिर्फ 2 घर बाद ही स्कूल है। और ये कबूतर बैठे थे, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा भी चल रही थी और बादल ऐसे लग रहे थे जैसे बारिश होगी, लेकिन उस दिन इतने घने बादल थे, काले काले, बारिश नहीं हुई उतनी जितने बादल थे, मौसम अच्छा हो रखा था। लेकिन शाम को छत पे चले जाते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, अकेले रह जाते हैं, मन बट जाता है। फिर ये गुस्सा हो गए हैं बिलौटे गुच्छा बेटी है कि दे देखो गुच्छा बेटी को न बहुत गुच्छा होना सीख गया है सारा बिलौटा। यहाँ हो रहा चाय नाश्ता तो इनने दे दी थी, इस प्लेट में हमने दे दी थी इसे पोहा, ऐसे पिटाई करके भेज दिया तो अब फिर से गुस्सा बैठ गया है। बेटा गुच्छा बैठी है और ले ले बहुत गुस्सा हो जाता है। देखियो घास कितनी पड़ी जाएगी, घास नहीं खा रहा, घास कितनी पड़ी जाएगी, यहाँ गुस्सा में बैठो, ऐसे गलुआ चलाते जी, गलुआ चलाते देखो, इतनी गुस्सा में बैठो है कि बहुत ज़्यादा लौटा केला खा रहा है गुंडा, पूरे दिन से घुसा उसमें, अब केला खाएगा मेरा बेटा, ऐंच केला खा ली है हमने, कुनो आ केला दे जोले हमने जने बुलाओ बुलाओ, हम फोन को वीडियो क्लिक करना भूल गए थे, हमने जानी वीडियो चल रही है, इतने भज के कुनू आए, देखने लायक रिएक्शन था, सुबह से घुसे हैं, आधा ये पड़ा है हमने कि हमें तो पूरा लेके भागे थे, ये पन्नी देखत कर हमने केला दिए सो भज के आए, और तो केला खाएंगे देखो कपर कपर कपर। हम स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया, हमने समझी वीडियो क्लिक हो गई, लेकिन वीडियो नहीं हुई थी, इतना अच्छे तरीके से भज के आया केला के नाम पे, खा
आ रहा था जिसो, देखियो इधर से यहाँ से वो सरक गया, गिर गया। मैंने कुन्नू तत्ता है तो मैंने इसको अब प्लेट में रखा है, तब प्लेट में घुसा जा रहा था, अभी ये गुस्सा होके बैठ गया। वो देखो गुस्सा बैठा है, अब देख भी नहीं रहा है। कुन्नू है, चिता भी नहीं रहा, इतना गुस्सा में बैठा है वहाँ पे, चिता भी नहीं रहा है, इतनी गुस्सा हो वो सीख गई है बिलौटिया। और ये क्लिप उसके अगले दिन की है, मतलब 2 दिन की क्लिप है ये। मैंने ओट्स खाया था तो मैंने इसको कहीं गर्म है बहुत ज़्यादा, तत्ता है, जल जाओगे, इसको फिर को भगा दिया मैंने डांट के, तो ये सुन नहीं रहा है। इतना गुस्सा होना सीख गया है उसके जाने के बाद, हमारी बेटी के जाने के बाद, कि मतलब गुस्सा होकर बेटा खूब चिल्लाओ कुन्नू नहीं सुनेगा अब ये। और हर सैटरडे को आ जाती है तो अब ये बड़ा खुश हो जाता है उसके आने